गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो आज हम ये जानेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल और सर्किल ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यूट्यूब उसमें गूगल डॉट कॉम में जाएंगे। तो गूगल डॉट कॉम को निकालने के लिए हम गूगल पे जाते हैं पहले। तो हम यहाँ लिखते हैं गूगल डॉट कॉम। जैसे हम गूगल डॉट कॉम लिखेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ हम टाइप करेंगे ऑनलाइन सी कंपाइलर। जैसे हम ऑनलाइन सी कंपाइलर पर लिखेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट हमारे पास आएगी, www.onlinegdb.com। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट खुल के आएगी हमारे पास। वहाँ क्या होता है कि हम इसमें बिना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को भी देख सकते हैं। अब वहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी कोडिंग सही है या गलत है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने खुल गई। अब ये वेबसाइट खुलने के बाद ये जो साइड में ब्लू कलर की स्क्रीन है इसको हम इधर से साइड कर देंगे, क्योंकि हमें जो अपनी कोडिंग करनी है इस एरिया में करनी है जहाँ ये लिखा हुआ है, और जो हमारा इनपुट आएगा वो नीचे आएगा। तो पहले हम इसमें कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग के लिए पहले मैं ये सारी जो कोडिंग पहले हुई हुई है उसे हटा देता हूँ और अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसा कंपाइलर है जहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं और इसमें हम बिना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें अपना जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसे चेक कर सकते हैं कि हमने वो सही किया है गलत किया, वो रन करके दिखा देगा। तो सबसे पहले ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हमारी ये लिखी हुई है। तो हम एक और अपनी फाइल लगाते हैं इसमें, हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल है, कंसोल हो जाएगा फिर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइड मेन लगाएंगे, वॉइड मेन। ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ इंट इंटीजर लेना है हमें पहला, और रेडियस डालनी है क्योंकि हम एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर डालना पड़ेगा, रेडियस डालेंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। तो एक हमने इंटीजर ले लिया आर। अब यहाँ हम सेमी कोलन लगा देंगे। फिर उसके बाद फ्लोट में लेंगे, फ्लोट में क्या लेंगे हम, पहले एरिया निकालना है ए और फिर सी निकालना है सर्कमफ्रेंस, और हम पी और ले लेंगे जिसे डिफाइन कर देंगे 3.14। ठीक है, जिससे कि हमारी वैल्यू रन हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर है। तो अब हम पहले प्रिंट करवाएंगे क्या, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या करवाएंगे, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ गया। अब स्कैन कर देंगे इसके, स्कैन एफ। किससे स्कैन करेंगे, परसेंट डी से, और यहाँ आ जाएंगे एम परसेंट आर को कर देंगे। इसमें कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूले में क्या रखना है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी पी मल्टीप्लाई आर। तो ये हमारा पहला हो गया। फिर सी बराबर 2 × p × r। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब इन्हें प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी इजी है, बस केवल ध्यान रखना है जिस फॉर्मूले को जैसे जैसे लगा रहे हैं वैसे ही लिखना है। तो हम पहले एरिया ऑफ सर्कल लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसे परसेंट फ्लोट से लेंगे क्योंकि फ्लोट वैल्यू हमने ली है उसमें। तो एफ से हमें स्कैन कराना है। ठीक है, और ये हमने लिया एरिया और इसे कर देंगे प्रिंट एफ। अब दूसरा हमने क्या लिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसमें हम छोटा बड़ा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्ट्रिंग में, लेकिन बस जो बाहर जितने भी हम डिजिट जो भी करेक्टर लिखेंगे उन्हें ध्यान से लिखेंगे।
वहाँ अगर हमने गलती कर दी तो ये हमारा रन नहीं होगा प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ गेट सी एच कर देंगे और यहाँ हम कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। ये हमारा प्रोग्राम हो गया पहला एक, ठीक है। अब इसे हम रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए कहाँ जाएंगे, ऊपर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कंपाइलर नीचे हो जाएगा। अभी यहाँ ये देखो, ये इसलिए बता रहा है कि एक और लिखा हुआ होगा, ये देखो दो लिखे हुए हैं, इसे एक ही लिखना है बस। अब ये हमारा रन हो जाएगा। क्या लिखा है देखो, अभी आएगा यहाँ इनपुट में, इसे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ आ जाएगा। अभी आने वाला है, रुको बस। एंटर रेडियस ऑफ सर्कल 24 मैंने डाल दिया। अब ये इसका आंसर हो गया, एंटर डालती इसके आंसर आ जाएगा। अभी क्या है, इसके जो आंसर है हमने बीच में स्पेस नहीं लगाया, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए नहीं लिया है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ क्या दबा देंगे, स्लैश एन, ठीक है। बस ये स्लैश एन कर देंगे और इसे कर देंगे डन। तो हमारा अब 324 लिख लेते हैं और एंटर। अब देख लेते हैं जो हमने आंसर लिखा था, देखो एंटर रेडियस ऑफ सर्कल आ गया 24, एरिया ऑफ सर्कल आ गया और हमारे पास सर्कम ऑफ सर्कल आ गया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।